सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के इनेकाद के खदशात के पेश नज़र एक नए पहलू पर गौर करना शुरू कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। क्या आपको पता है कि 5 नंबर बाकी में बाबर आजम का लकी नंबर है? तो उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप फौरन जाए और उसे जरूर देखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के इनेकाद के खदशात के पेश नजर रवा बरस एक और होम सीरीज के लिए मुख्तलिफ पहलू पर काम शुरू कर दिया है। PCB कोविड-19 से पैदा शुदा हालात बेहतर होने की सूरत में अक्टूबर और नवंबर में मुख्तसर तर्स क्रिकेट की होम सीरीज के लिए काम कर रहा है। PCB की जानिब से इंग्लैंड को 3 मैचों की T20 सीरीज की दावत देने के लिए सोच विचार की जा रही है। ख्याल रहे कि PCB हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा इजाजत के बाद रवा साल जुलाई में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए इंग्लैंड जाने पर इत्तिफाक कर चुका है। मुस्तका जराये के मुताबिक ICC के इजलास के बाद PCB 3 नए मनसूबों पर काम कर रहा है, जहाँ T20 वर्ल्ड कप जैसे अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है, लेकिन इजलास 10 जून को जो कि मुलतवी कर दिया गया था। इतलात है कि T20 वर्ल्ड कप रवा बरस मुनक्कद नहीं होगा, गो के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI टूर्नामेंट के अगले बरस इनेकाद पर मुतफिक नहीं हुए। जराये के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप अगले साल के लिए मुलतवी हो और भारत 2021 के बजाय 2022 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करे। BCCI ने ICC के इजलास से कबल BCCI के फैसले सामने आने के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया है और मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तो दोस्त, ये थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए प्लान के हवाले से कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, बुरी लगी हो तो फिर भी लाइक करे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।